हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं शमशेरा मूवी अभी देख के आया मैंने कुछ समय पहले, एंड उसका रिव्यू मैंने पिछले वीडियो में डाला था। सभी चीज़ों के बारे में मैंने कवर किया था, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, उसके बाद परफॉर्मेंस और स्क्रीन प्ले, सब चीज़ के बारे में मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था। वो ज़रूर जाके चेकआउट करिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ आपके आसानी के लिए, ज़रूर जाके चेक करिएगा। वापस ये इस वीडियो में इस टॉपिक पे आना, कुछ चीज़ मैंने छोड़े थे वो अब इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो चीज़ क्या है, जैसे कि मैंने पिक्चर देख के आते ही मैंने रिव्यू डाला था, 3 मिनट का रिव्यू था वो, पिछले वीडियो में बनाया था मैंने, तो आप ज़रूर जाके चेकआउट करिएगा। और इस वीडियो में आने का मकसद ये है कि जैसे ही आप सिनेमा के टिकट्स बुक करते हो ना, नॉट ओनली किसी भी मूवी हो, आप सिनेमा टिकट्स जब बुक करते हो ऑनलाइन में, बुक माई शो फॉर एग्जांपल है, जो मेजर वेबसाइट कहूँगा टिकट बुकिंग के लिए, जैसे आप बुक करते हो, सीट सेलेक्ट करते हो, थिएटर सेलेक्ट करते हो, उसमें एक ऑप्शन डाला जाता है इन्फॉर्मेशन के तौर पर कि कैंसिलेशन ऑल्सो अवेलेबल। तो मेरा रिक्वेस्ट यही होगा कि गोइंग फॉरवर्ड अगर फ्यूचर में कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा होगा कि अलॉन्ग विद दैट इन्फॉर्मेशन, कैंसिलेशन अवेलेबल ऑप्शन के साथ अगर आप ये भी डालते हो रिफंड ऑल्सो अवेलेबल, बहुत ही अच्छा होगा। ये क्यों कह रहा हूँ, अगर मूवी अच्छा ना हो तो कस्टमर्स के पैसे, जो ऑडियंस के पैसे है ना, उसको आप रिटर्न करना आपका फ़र्ज़ होता है, क्योंकि आपने बहुत ही ख़राब और घटिया मूवी बनाया है। तो इसीलिए मैं ये एक रिक्वेस्ट के तौर पे रखूँगा सब सिनेमा मेकर्स या थिएटर ओनर्स को कि गोइंग फॉरवर्ड अलॉन्ग विद कैंसिलेशन अवेलेबल ऑप्शन के साथ रिफंड ऑल्सो अवेलेबल का एक ऑप्शन ज़रूर डालिएगा, ताकि अगर पिक्चर ना अच्छा हो तो आप क्या करना है, एक सर्वे भेजना है, जैसे ही मूवी एंड होती है रजिस्टर्ड ऑडियंस के जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे एक सर्वे भेजिएगा, जिसमें आपको क्या करना है, दो ऑप्शन डालना है, डिड यू लाइक द मूवी, यस और नो। जैसे ही कस्टमर यस सेलेक्ट करेगा तो कोई बात नहीं, मूवी वॉज गुड, रियली वी अप्रिशिएटेड। अगर कस्टमर या ऑडियंस नो सेलेक्ट करता है, आपको क्या करना है, इमीडिएटली रिफंड ऑप्शन का एक पेज खोलना है, जिसमें कस्टमर अपना UPI ID डालेगा और इमीडिएटली पैसा उसको वापस कर देना चाहिए। अगर एटलीस्ट ये ऑप्शन अगर फीसिबल नहीं है, अगर ये आपको लगता है कि इवन गुड, डिस्पाइट अ गुड मूवी कस्टमर्स चीट कर सकते हैं, ऑडियंस जाकर वांटेडली नो डाल के अपना पैसा वापस ले सकते हैं, अगर ये सोचते हो आपका, अगर ये आपका ओपिनियन है, तो आप दूसरे मेथड में आप पैसा रिटर्न कर सकते हो। जैसे कि अगर ऑडियंस, जैसे कि मैं 30 मिनट्स में ही सिनेमा हॉल से बाहर चला गया था, तो ऐसे ऑडियंस को एटलीस्ट आप पैसे रिटर्न करें, क्योंकि जेन्युइनली दे डिड नॉट लाइक द मूवी, दैट इज़ व्हाई दे आर रनिंग आउट फ्रॉम द थिएटर्स जस्ट वॉचिंग 30 मिनट्स ऑफ द मूवी। तो जैसे कि मैं सिर्फ 30 मिनट देखा, मैं सिर दर्द होना शुरू हो गया, मैं वापस बाहर चला गया। तो एटलीस्ट इन जैसे ऑडियंस को तभी आप पैसे रिटर्न करना आपका फर्ज बनता है, यही मेरा थॉट है और ये मेरा परसेप्शन है। कोई पॉजिटिव रिव्यूज़ देगा उसे भी आप एक्सेप्ट करना चाहिए, कोई नेगेटिव रिव्यू देगा क्रिटिक के तौर पे, उसे भी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हर अपना का ओन ओपिनियन होता है, हर बंदे का अपना ओन ओपिनियन होता है। जैसे कि मैं, मुझे जेन्युइनली मूवी पसंद नहीं लगी, ऑब्वियसली मैं नेगेटिव रिव्यू ही डालूंगा, और मैंने लिटरली मैं कह रहा हूँ 30 मिनट्स में मैं थिएटर के बाहर हो गया, जिसका मतलब जेन्युइनली डिड नॉट लाइक द मूवी। मैं किसी का फैन नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल बंदा हूँ। इफ यू गिव गुड मूवीज आई विल वॉच, इफ यू गिव क्रैप मूवीज आई विल नॉट वॉच। तो बस इतना ही था, अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और बिना बोले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, हेल्दी, चीयर्स, टाटा, बाय बाय।